तीसरी है जीव की साधना। तीन साधनाओं से गुजरना पड़ेगा, तन की साधना आसन सिद्धि, मन की साधना मन का शांत और समर्पित होना, और तीसरा है जीव की साधना, जीव आत्मभाव को ग्रहण कर ले। किसी भी व्यक्ति को जब कहा जाता है कि देखो चितवनी करनी है तो आपको अंगना भाव लेना पड़ेगा, तो उसको पुरुषों के लिए बहुत बड़ी समस्या होती है। अंगना भाव का अर्थ क्या होता है? माधुरिता की भावना। यह स्त्री पुरुष का प्रसंग नहीं है, अध्यात्म में आत्मतत्व यही कहता है कि आत्मतत्व को स्त्री और पुरुष के दृष्टि से नहीं देखा जा सकता। स्त्री के शरीर की आकृति कुछ भिन्न होती है पुरुष से, इसलिए उसको कहते हैं कि ये स्त्री है ये पुरुष है, किंतु दोनों में तो आत्मतत्व एक ही होता है। परमात्मा के नाम वेद शास्त्रों में स्त्रीलिंग में भी है पुल्लिंग में भी है, जैसे आदित्य और अदिति वेद में भी यही बात कही गई है। वेद में भी परब्रह्म को युगल स्वरूप के रूप में दर्शाया गया है। जैसे आदित्य और अदिति में क्या अंतर है? आदित्य शब्द पुल्लिंग है, अदिति शब्द स्त्रीलिंग है। सविता और सावित्री, सविता शब्द पुल्लिंग है, सावित्री शब्द स्त्रीलिंग है, दोनों का अर्थ एक ही होता है। जो आदित्य का अर्थ होगा वही अदित्य का अर्थ होगा, जो सविता का अर्थ होगा वही सावित्री का अर्थ होगा, लेकिन एक पुल्लिंग है एक स्त्रीलिंग है। इस आधार पर जब हम जीव भाव को छोड़ें कि न मैं पुरुष हूं न स्त्री हूं, मैं तो परम धाम की आत्मा हूं, और मेरा श्रृंगार क्या है? वही जो एकत्व में होता है, वैद्यत्व में होता है, जो श्यामा जी का श्रृंगार है वो मेरा श्रृंगार है। हम कितने पाप कर चुके हैं, काम क्रोध मद लोभ से ग्रसित हैं, इसका चिंतन न करें। हाँ, चिंतन ये करें कि बुरे विचारों को हम छोड़ें, लेकिन हम निराशावाद में बंध जाएं कि हमसे तो बहुत पाप हो चुके हैं, हमारा उद्धार नहीं हो सकता, हम चितवनी नहीं कर सकते, तो ऐसे विचारों को अध्यात्म में कोई स्थान नहीं मिलना चाहिए। सृष्टि में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं पैदा हुआ है जिससे कभी कोई पाप ना हुआ हो, कोई बुरे कर्म न हुए हों, या किसी के मन में बुरे विचार नहीं आते हों। प्रत्येक प्राणी के मन में ये स्वाभाविक है, किंतु जब हम उसके निदान की तरफ कदम बढ़ाते हैं तो ध्यान की अग्नि में लाखों करोड़ों जन्मों के पाप दग्ध हो जाएंगे। आप सोचते हैं कि कर्म तो भोगना पड़ता है, ये विषय वहाँ नहीं है, बस इतना कहूँगा संचित और क्रियमाण समाधि के अग्नि से परमात्मा के साक्षात्कार के पास दग्ध हो जाते हैं, और जो प्रारब्ध होता है वो भी थोड़ा रह जाता है। हाँ, जो सभी जन्मों के जो विकार रूपी पहाड़ हैं वो तो जलकर राख हो ही जाएंगे। हमारा हृदय शुद्ध कब होगा? जब हमारा जीव भाव हट जाएगा, आत्मभाव जागृत हो जाए। और आत्मा को क्या करना है? परात्म का श्रृंगार सजना है, जो मूल स्वरूप है अपने, जाको कहिए पर आत्म, सो परात्म संग लेके विलसीय संग खसम। परात्म के श्रृंगार में ही हमें प्रीतम का दीदार होना है। आप सोचिए, हम मूल मिलावे में बैठे हैं, हिल डुल सकते नहीं, राज्य के सामने बैठे हैं किंतु राज्य को देख नहीं पा रहे हैं, तो यमुना जी में स्नान कौन करेगा? आत्मा क्या है? परात्म का ही तो प्रतिबिंब है। जब आप नींद में होते हैं, सपना देखने लगते हैं, तो आपके एक सपने का तन बुम्बई में जाता है, जो आपके वास्तविक तन जैसा ही होता है। जो बम्बई में तन गया होता है सारा काम करता है, लेकिन उसका कोई वजन नहीं है, उसका रूप रंग वास्तविक तन जैसा ही दिखेगा, और उस तन के साथ जो भी होता है वो आपको अनुभव में आता है। उस तन को कोई चांटा मार देता है तो सपने में आप बार बार कहते हैं, जब सपना टूटता है, कि मैं सपने में आज मुंबई गया था, मुझको किसी ने चांटा मार दिया। आप तो सो रहे थे दिल्ली में, आप मुंबई में, आपका प्रतिबिंब रूप गया सपने में और वो चांटा खाया, और सवेरे असल तन बोल रहा है कि मैं तो बम्बई में सपने में गया था, मुझे चांटा पड़ गया। हो सकता है चांटा खाने के बाद आप बिस्तर से उठ करके खड़े भी हो जाए,
बाद में बताया जाएगा या आपको आभास होगा कि मैं तो सपने में देख रहा था, वास्तविकता कुछ और थी। आप यही सोच लीजिए कि आत्मा परात्मा का प्रतिबिंब है। इसलिए जीव के स्तर की जो साधना है अहं को समर्पित करने की, वो पापी है या पूर्ण आत्मा ये विषय नहीं है। मेरे जीव सुहागी रे तो क्यों न करे पीसु पहचान। जीव में भी ये भावना आ जाए कि मैं परमधाम की आत्मा हूँ, वो वाणी के प्रकाश में अपने हृदय को निर्मल की तरह, निर्मलता की तरफ ले चले, समर्पण भावना उसके अंदर आ जाए, विरह के आंसुओं से वो इतना कोमल हो जाए कि उसको लगे कि मैं शरीर हूँ ही नहीं, मैं जीव हूँ ही नहीं, मैं आत्मा हूँ। ये तीन चीज़ों की तैयारी करनी होती है सुंदर साध को। तन की साधना आसन सिद्धि के रूप में, मन की साधना मन को शांत और समर्पित बनाने की, और जीव की साधना आत्मभाव लाने की, विरह की तरफ अपने कदम तेजी से बढ़ाने की। यदि आप इन तीन को बढ़िया से क्रियान्वित कर लेते हैं तो आप चितवनी में 80% आपने मंजिल पूरी कर ली। आगे केवल एक प्रश्न खड़ा हो जाता है, जब तुम आप दिखाओगे तब देखूंगी नयन नजर भर जी।